तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और दोस्तों, आज का ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि खास इसलिए है क्योंकि आज जिस फल को फिल्माने के लिए हम जा रहे हैं जंगल में, साल भर से हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए चलते हैं मेरे इस खूबसूरत जंगल में जो है बांज, बुरांस और काफल का। भाई अभी साथ में है हिमांशु। हाँ हिमांशु, कुछ कहेगा? मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ काफल ढूंढने आ रखा हूँ। बहुत दूर से आ रखा हूँ, मैं लगभग बैनोली गांव से आ रखा हूँ यहाँ काफल देखने। तो काफल देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलता है। अभी हम लगे हैं काफल ढूंढने में। अभी तक पन्नी खाली है, बिल्कुल नहीं। 1-5 किलो की पन्नी है हम हाथ में, अभी तक पूरी खाली है पन्नी। और देखो भाई, यहाँ देखो ना, आपको जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना, बिल्कुल हरे भरे, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो इसी जंगल में हमें काफल मिलने वाले हैं। तो आज का सफर भाई इन खूबसूरत जंगल के रास्ते से होने वाला है। तो दोस्तों, काफल एक जंगली फल होता है, मतलब जंगल में होने वाला फल है, कुदरती फल है। और पहाड़ी लोगों को इस फल की ना बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और हम जो पहाड़ी लोग हैं, इस खूबसूरत फल के लिए लगभग साल भर हम इंतज़ार करते हैं। और वो महीना आखिर में आता है, अप्रैल और मई का महीना, जिस टाइम पर हमारे इन जंगलों में पूरा काफल से लदे हुए पेड़ रहते हैं। और फिर हम डब्बे लेकर के जंगलों में जाते हैं और उस फल को गिनकलाते हैं। बाल्टी लेके और सबसे बड़ी बात क्या है इस फल की, बहुत ही रसीला, हल्का सा खट्टापन, मीठा, इस तरीके का एक फल होता है। और फिर उसको घर में ले जाकर उसकी स्पेशल डिश बनाई जाती है। और जिस जंगल में मैं भी आपको लेके जा रहा हूँ ना, ये रे काफल, ये रे इस जंगल में दोस्तों इतने ज़्यादा जंगली जानवर होते बहुत हैं, छोटा सा मतलब पेड़ है, बाघ भी यहाँ पे रहता है। बहुत छोटा सा पेड़ है पर काफल ज्यादा है इस पे। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, इसमें पेड़ तो छोटा और है काफल ज्यादा, ना, मीठे मीठे। खट्टे हैं हल्का, मुझे लग रहा थोड़ा सा। हाँ खट्टे भी हैं मीठे भी हैं। साहब काफल देख लो आप, इसमें इतने जबरदस्त काफल है ना, इनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, ऐसे काफल हैं। और यहाँ पीछे ना पूरा जंगल काफलों से लदा हुआ है। खट्टे हो रहे हैं कि मीठे हो रहे हैं? अभी बिल्कुल मीठे, बिल्कुल मीठे, बिल्कुल भाई, चीनी से भी मीठे, चीनी से भी मीठे, भगवान की कसम से। वाह, अभी मुझे लग रहा है कई दूसरे गांव के भी आ जाएंगे यहाँ काफल चोरी करने के लिए। फीलिंग को बयां करना ना अपने आप में बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे पास ऐसे शब्द भंडार नहीं है जो मैं इस प्रकृति के इस अनुपम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कर पाऊं। कोई शब्द नहीं, बिल्कुल खामोश। दोस्तों यहाँ देखिए, पूरे काफल ही काफल है, यहाँ से लेकर और नीचे तक। ये देखिए, लोग अपना व्यापार कर सकते हैं इसमें। इसमें तो भाई लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे जो पहाड़ के लोग हैं ना, वो प्रकृति की इस चीज़ को बेचते नहीं, बल्कि प्रकृति से प्रेम करते हैं। यही तो खासियत है हमारे पहाड़ के लोगों की।
हम बिजनेस नहीं करते हैं बल्कि प्रकृति की इस भेंट का रसापान करते हैं, स्वाद करते हैं, आनंद लेते हैं। पकड़ा आपने? दोस्तों शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, सच में कह रहा हूँ मैं कि मेरे पास शब्द नहीं है इतने रसीले काफल लाजवाब। मन कर रहा कि पूरा पेड़ ऐसे करके निकालूं ना, मैं खा जाऊं। अभी शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं और औरों काफल लेके आप घर जा रहे हैं। काफ़ी काफल हमने निकाल लिए हैं जंगल से। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ना, बहुत घना जंगल है दोस्तों, पूरा बांज बुरांस और काफल का जंगल है। भाई इसमें ये कड़वा तेल है ना, तो ये कड़वा तेल डाला जाता है इसमें। अभी हमने इसमें नमक और मिर्च मिला दिया है। तो दोस्तों आप पहाड़ के इस खूबसूरत फल का आनंद ले सकते हैं और इतना हसीन मौसम और खूबसूरत काफल। मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं है दोस्तों। Mm-hmm.